लुधियाने के रहने वाले एकलव्य गौड़ ने हरियाणा न्यायपालिका दे विच पंजवां रैंक हासिल किया। तां दस दिए कि एकलव्य दे पिता इनकम टैक्स विभाग के उच्च अधिकारी की पोस्ट से तैनात ने, उन्होंने दादा भी सेवा मुक्त न्यायाधीश रह चुके हैं। सो एकलव्य की उम्र महज 30 साल की है। सख्त मेहनत के नाल एकलव्य ने यह मुकाम हासिल किया। लुधियाना लाइव लई सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, मेरा नाम एकलव्य गौड़ है। मैंने इस साल हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच एग्जाम क्लियर किया है एंड आई हैव सिक्योर्ड 5th रैंक। सर किद्दां दी तैयारी रही और किद्दां दा पेरेंट्स दा सहयोग रहा? दस्या जा रहा कि फादर साहब तुहाडे जॉब इसमें सरकारी। हाँ जी, माई फादर इज़ ऑल्सो इन गवर्नमेंट सर्विस। ही इज़ एन IRS ऑफिसर, ही इज़ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। सो एक तरह से ये था कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि टू लिव अप टू हिम। तो मेरा शुरू से था कि मैं ये इसी फील्ड में आना चाहूँगा। मेरे ग्रैंडफादर भी जुडिशरी में थे। ही रिटायर्ड एज एडिशनल सेशन जज फ्रॉम लुधियाना। सो दिस हैज़ बीन माय गोल एंड इसका जो मेरा प्रोसेस है, इसका जो रहा है, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड एक टीडियस और एक काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी रही है और इसमें काफ़ी हार्डवर्क इसमें लगता है और मेहनत लगती है। तो काफ़ी मेहनत इसमें इन्वॉल्व हुई है एंड जो इसमें सहयोग पेरेंट्स का तो हमेशा रहा ही है। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर। और मेरी तैयारी हमेशा मेरी खुद से घर बैठ के हुई है। सो इट हैज जब करी है तो मेरी आई यूज़ टू बी अलॉन्ग बी विद माई मदर। तो उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने भी पेशेंस दिखाई बराबर। और पापा जो हैं उन्होंने हमेशा हैड कॉन्फिडेंस, दे हैड फेथ इन मी। उन्होंने मुझे कभी भी हमेशा मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे कि जब भी अप्स एंड डाउन आते थे तो दे ऑलवेज सेड कि यू शुड वर्क फॉर इट। उन्होंने हमेशा बनाए रखा, उन्होंने उनको विश्वास था, उनको मेरे कैलिबर पर उनको विश्वास था। तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि यू शुड लीव इट। सर कितने घंटे पढ़ते थे और कैसा आपका सफ़र रहा? सफ़र थोड़ा जैसे लॉन्ग जर्नी, जैसे मैंने कहा लॉन्ग जर्नी रही है, बट एक मेरे लिए इंजॉयबल सफ़र रहा है। मैंने पूरे प्रोसेस को इंजॉय करा। इसको मैंने पढ़ाई करी तो मेरे घंटे ऐसे कोई फिक्स नहीं होते थे, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि आपके घंटे से ज़्यादा आपकी जो क्वालिटी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस है और आपका जो एक इंटरेस्ट बना रहना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सब्जेक्ट पर ग्रास्प लो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लो। सो एवरेज आपके 8 to 9 hours तो आपके डेली के होने चाहिए। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता रहता है तो आपके घंटे बढ़ते रहते हैं। एक समय आता है जब मेंस के टाइम पे बिफोर द मेंस आप सुबह उठते हो और जब आपका वेन्यू आप बाहर देखते हो तो इट्स ब्रॉड डे लाइट एंड द मोमेंट। और आप जब ख़त्म उठते हो कि आप थक के होते हो तो रात हो चुकी होती है। तो आप पढ़ाई के लिए उठते हो या थोड़ा खाने पीने के लिए आप बुक से हटते हो तो उस टाइम पर आपके घंटे चले जाते हैं मे बी 14 hours 15 hours। तो मेरा यही था। तो अभी कैसे देखते हो हरियाणा में आपको जो सिलेक्शन आपकी हो चुकी है? हाँ जी, मेरी हरियाणा में सिलेक्शन हुई है। तो मेरा फोकस पंजाब और हरियाणा में ही था कि इन दोनों में से कोई भी जो स्टेट मिल जाए और आई एम गुड विद इट। क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि ऑल्दो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ बट मेरे फादर सेंट्रल सर्विस में थे, तो सेंट्रल सिविल सर्विस में थे। तो हमारा बाहर, हम ऑल ओवर इंडिया हम रहे हैं। मेरी मेजॉरिटी में स्कूलिंग मुंबई से हुई है और मेरे कॉलेज लॉ मेरी चंडीगढ़ से हुई है। सो मैं इस मामले में वेरी फ्लेक्सिबल और मेरे को ये ट्रांसफर्स और घर से थोड़ा ये दूर रहना या कंफर्ट जोन से बाहर होना, इट इज़ नॉट एन इशू विद मी। एज की बात करें कितनी एज आती है? आई एम 30 years, आई विल बी टर्निंग 31 नेक्स्ट मंथ। अचीव कर लिया 30 years? हाँ, हमेशा होता है कि 25 years पे अचीव करना चाहिए, बट ठीक है कि बेटर लेट दैन नेवर। सो इट इज़ ऑलवेज अ हैप्पी मोमेंट कि फैमिली की काफ़ी सपोर्ट रही है। फैमिली की थ्रू आउट शुरू से सपोर्ट रही है, हमेशा से। उन्होंने कभी डीमोटिवेट नहीं किया एंड हमेशा वो कॉन्स्टेंटली इंकरेज करते रहे। और वो हमेशा मुझे जहाँ पे भी मुझे कभी मैंने लगना कि मेरा को लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है, उन्होंने फिर उसको इन्होंने इंश्योर किया कि मेरा उसमें इंटरेस्ट बरकरार रहे। हाँ जी सर, बेटे ने नाम रोशन किया, हरियाणा जुडिशरी के सिलेक्ट हुए ने। इस तरीके के नाल तुसी देखते हो क्योंकि आप तुसी एक जॉब ते जॉबिस्ट हो? हाँ, बहुत वधिया कीता जी, नाम रोशन तां कीते, इहदे च कोई शक नहीं हैगा। तो
होनहार तो शुरू तो ही बहुत इंटैलीजेंट सीगा ते सानू कदे कदे जरूर लगता सी भी मेहनत करता कि नहीं करता। सो उहदा तां फिर रिजल्ट तो पता लगता कि मेहनत कीती है तदे बहुत चंगा रैंक इन्हें सिक्योर किया। और अदरवाइज जी तुसीं देखोगे साडे कोल वैसे भी इहनूं भी समझ सी कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होंदे जिहड़े जिहड़े सर्विस क्लास दे विच हैगे। सो साडी तां क्योंकि थर्ड जनरेशन है, मेरे फादर भी जॉब दे विच सीगे, सो मैं भी जॉब चाहे भावें असीं एग्रीकल्चरिस्ट हैगे बट अदरवाइज़ कोई अपना काम तो नहीं है। सो इहनां नूं जे कैरियर दे विच देखना है या तो प्रोफेशन तुसीं चल सकते हो तो जिहड़ा इहने शायद एक बार शुरू भी किया सीगा बट मैनूं विचों लगदा शायद इहदा बहुत मन नहीं सीगा उस प्रोफेशन दे विच प्रैक्टिस दा। इहने शुरू तो कीती सीगी इत्थे जांदा सी लुधियाना। सो सानूं भी फिर इच्छा सी कि जिथे इहदा मन है सो इह शायद इहदे अंदर ही सी मेरे। सानूं कदे इहने बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं कीता कि जुडिशरी जाना है क्योंकि जो ये बहुत छोटा सीगा तो मेरे फादर नाल उन्हां कोल आंदा सी, उन्हां नाल बहुत प्यार सीगा, उत्थे उन्हां नूं देखदा सी, उन्हां दा आना जाना देखता सी, कोर्ट भी दो एक चक्कर लाए हुए है तो शायद ये मन के उदों तो ही इच्छा सी कि मैं जज बनना। सो वो बनने तो बाद हुण जरूर दसदा है कि मेरी इच्छा सी। सो पहला इन्हें नहीं दसी, सानूं तो लगता शायद सिविल सर्विस ज़्यादा इंट्रस्ट होगा इहदा तो मेरे वाल देखिए बट आपदे ग्रैंड फादर नूं फॉलो किया दैट्स गुड ऑलसो तो बहुत वधिया बहुत मेहनत की है तो मैं तुम्हें सक्सैस कह रहे। उम्मीद दा थोड़ा जिहा चांस नहीं सीगा लगदा तुहाडा कि पेरेंट्स दा खास सहयोग रहा कि क्योंकि एक माता दा जां पिता दा डर हुंदा इसे करके अचीव कीता। नहीं ऐदा नहीं हुंदा जी, बेसिकली की है कि जिहड़ी पढ़ाई है वह तो आपके मन नाल ही हुंदी है। सो बच्चे नूं तुसीं जिन्ना मर्जी कही जाओ तुसीं गाइडेंस तो दे सकदे हो, तुसीं दस सकदे हो कि एक जिहड़ा फॉर्मूला हैगा वह हैगा कि या तो तुसीं जिहड़ी पहली जिंदगी है वह ऐश दी कट लो तो बाकी जिंदगी मेहनत करी जाओ, या पहली जिंदगी दे विच मेहनत कर लो तो फिर बाकी जिंदगी जिहड़ी तुहाडी है वह आरामदायक हुंदी है। सो पहली मेहनत करके बाकी जिंदगी आरामदायक करनी जिहड़ी बैटर हुंदी है। सो मेहनती सीगा। सो सपोर्ट तो जिहड़ी बहुत ज़्यादा नहीं हुंदी, असीं माड़ा मोटा यही दस सकदे भी पढ़ लो या क्योंकि मैं भी लॉ कीती हुई है तो थोड़ा बहुत जे कोई लॉ का कोई डिस्कशन होवे तो पुछ सकदे बट अदरवाइज तो अपनी मेहनत हुंदी है, किसी के कहे नाल किसी के करन नाल नहीं हुंदा। ये अंदरों जे अर्ज होवे बंदे नूं कि मैं कुछ बनना है मैं कुछ करना है सो उही अर्ज जिहड़ी है या उही जिहड़ी इच्छा शक्ति जिहड़ी है वह तुहानूं सक्सैसफुल करदी है। हुण सर सिलेक्ट हो चुके ने जी, घर दे विच खुशियां दा माहौल? बहुत ज़्यादा खुशी दा माहौल है जी। मतलब ये जिहड़ा हुंदा है बच्चे का जो सिलेक्शन हुंदी है पहला तो उन्हों एक ये तांग कह लो रहिंदी है भी इन्हें की करना है, सैटल कित्थे होना, प्रैक्टिस भी भावें उहदे च बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते लोग करते भी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी चलती है और ये भी रोज़ी रोटी का बहुत अच्छा साधन हैगा बट जो तक तुसी उस लेवल ते नहीं पहुँचते उस लेवल उदों तक तुहानूं मतलब एक जिहनूं कहिंदे आ तसल्ली या कंटेंटमेंट जिहड़ी नहीं आती। हुण की है सिलेक्शन तो बाद जिहड़ी कंटेंटमेंट आ गई है। दूसरा ये जिहड़ी इच्छावां सीगियां ये सीगा कि जस्टिस डिस्पेंस करना है। सो वह जिहड़ी चीज़ है जस्टिस डिस्पेंस करना जिहड़ा वह जिहड़ी मन दे विच इच्छा वह तुसी एज लॉयर जिहड़ी है वह जस्टिस दिलवा ता सकदे हो बट जस्टिस डिस्पेंस करना जिहड़ा है वह जज का ही काम हैगा। सो इहदी इच्छा यह भी सी जस्टिस डिस्पेंस करना, सो इहदी इच्छा पूरी हुई तो सानूं बहुत ज़्यादा खुशी है, सारी परिवार दे विच खुशी दी लहर है। इहदे सारे रिश्तेदार जिहड़े है नानके दादके साइड दे सारे आके इन्हूं परसनली मिलके गए, परसनली इन्हूं मतलब मुबारक देने लई इत्थे पिछले 5 दिन तो सारे आ रहे हैं।